सावन के महीने में जो औरतें शिवजी पर एक बेलपत्र घी लगाकर चढ़ा देती हैं, वो अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकती है और जो चाहे वो पा सकती है। तो अगर आप भी अपनी गरीबी से परेशान है या फिर आपका कर्जा चुकता नहीं हो पा रहा है और बार बार कोशिशों के बाद भी आपका व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, आपको धन लाभ नहीं हो रहा है या फिर संतान पक्ष की तरफ से आपको परेशानी हो रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बेलपत्र पर घी लगाकर चढ़ाने का एक आसान सा उपाय अपने भक्तों को बताया है, जिसे करने के बाद वो अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस उपाय के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई प्रयासों के बाद भी हमारे अटके हुए काम पूरे नहीं हो पाते, हमें नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाती या फिर अगर हम व्यापार में पैसा लगाते हैं तो वो पैसा बार बार डूब जाता है, कर्ज का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है और जिन लोगों को हमने पैसे उधार दिए होते हैं वो बार बार मांगने के बाद भी हमारा पैसा वापस नहीं लौटाते और सफलता के सारे दरवाजे हमारे लिए धीरे धीरे बंद होते जाते हैं। तो ऐसे में हमें महादेव की शरण लेनी चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर जब भी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल महादेव की शरण में जाकर ही हम अपनी सारी बिगड़ी बना सकते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अगर हम सावन के महीने में किसी भी दिन अगर बेलपत्र पर घी लगाकर महादेव को अर्पित कर देते हैं तो इससे हमारी सारी मनोकामना धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है। इस उपाय के लिए गुरुजी कहते हैं कि एक तीन मुखी वाले बेलपत्र, लाल चंदन और गाय का शुद्ध घी आप इकट्ठा कर लीजिए और सभी सामग्रियों को लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए और महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाइए और जो तीन मुखी वाली बेलपत्र है उसके दाएं ओर और बाएं वाली पत्तियों पर लाल चंदन का लेप लगा दीजिए और जो बीच वाली पत्ती है इस पत्ती पर आप गाय का शुद्ध घी लगा दीजिए और महादेव के शिवलिंग पर इसे अर्पित कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र को महादेव की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उल्टा करके आपको अर्पित करना है ताकि लाल चंदन और घी की मदद से ये बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चिपक जाए। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो महादेव और माता पार्वती और अशोक सुंदरी से आपको आपकी हर मनोकामना पूरी करने का आपको वरदान मिलता है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय करने के साथ महादेव और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हैं और अपने मन की मनोकामनाओं की अर्जी उनके चरणों में लगा देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके सभी काम बनने लगते हैं और सफलता आपके साथ चलती है। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार ये उपाय आपको लगातार चार सोमवार को या फिर चार मासिक शिवरात्रि या चार प्रदोष तिथि तक करना है। महादेव आपकी सभी इच्छाओं की इस उपाय से पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो बच्चे परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे या फिर जिन बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है वो भी महादेव को खास तरीके से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भी उन्हें सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप एकादशी वाले दिन एक तीन मुखी बेलपत्र पे पीला चंदन या हल्दी और लाल चंदन लेकर महादेव के मंदिर में चले जाइए और इस बेलपत्र के दाएं और बाएं वाली पत्ती पर आप लाल चंदन का लेप लगा दीजिए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा दीजिए और जिस बच्चे का विवाह आप कराना चाहते हैं उस बच्चे के हाथ से बीच वाली पत्ती पर जिस पर आपने पीले चंदन का लेप लगाया है उस पत्ती पर महादेव का जाप करके लाल चंदन से 8 बिंदी लगा दीजिए और बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि लगातार 3 महीने तक प्रत्येक एकादशी को अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके बच्चे के विवाह जल्द से जल्द हो जाते हैं और अगर आप इस उपाय को देवठान एकादशी वाले दिन करते हैं तो आपको इसके बहुत जल्द शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए बेलपत्र के उपाय जो आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।